रेवाड़ी जिले के गांव होद के खंडर में तब्दील हो चुकी ये तस्वीर बयां कर रही है 1984 के दंगों की वो दर्द भरी यादें जो आज भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों को दर्शा रही है। इस गांव में मारे गए 32 सिखों को आज असेंबली के विधायक बख्शी सिंह सहित सैकड़ों सिख समुदाय के लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधायक ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि इन दंगों में मारे गए सिखों की याद में जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर कोई यादगार स्मारक स्थल बनाया जाएगा जिन्हें आने वाले पीढ़ी याद रखेगी। इस अवसर पर शब्द गुरुवाणी का आयोजन कर समाज को खून का बदला खून नहीं का संदेश दिया गया। विधायक ने कहा कि हमारा मकसद खून का बदला खून नहीं है, हम चाहते हैं कि सिख समुदाय के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए ताकि दिवंगत आत्माओं को शांति मिल सके। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ।